बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के तत्वाधान में क्षेत्रीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी को पत्र सौंपकर एवं अन्य 8 संसद सदस्यों को रजिस्ट्री द्वारा पत्र भेजकर कहा कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन में आपका सक्रिय सहयोग व समर्थन प्राप्त होता रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार ऐसी खबरें प्राप्त हो रही हैं कि केंद्र सरकार छोटे राज्यों के निर्माण पर गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्र सरकार को जन भावनाओं से अवगत कराने एवं दबाव बनाए रखने के लिए आपसे आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी एवं अपने राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर आग्रह करने की कृपा करें कि हम बुंदेलखंडवासी, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश क्षेत्र अखंड बुंदेलखंड राज्य शीघ्र बनाए जाने के पक्षधर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे गए पत्र की प्रति समाचार पत्रों को भेजे जाने की कृपा करें, जिससे बुंदेलखंड वासियों को यह मालूम रहे कि आप मानेवर बुंदेलखंड राज्य निर्माण के पक्ष में हैं। ऐसा नहीं किए जाने पर बुंदेलखंड वासियों को यह एहसास हो जाएगा कि आप मानेवर सिर्फ चुनाव के समय बुंदेलखंड राज्य निर्माण के पक्ष में दिखाई देते हैं और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद आप मानेवर भी पूर्व के जनप्रतिनिधियों की भांति राज्य निर्माण के मुद्दे को बिसार रहे हैं। जैसा कि श्री उमा भारती जी ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय राजनाथ सिंह जी के समक्ष बुंदेलखंड वासियों से वादा किया था कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। 3 साल की जगह 6 साल 5 माह बीत गए पर अभी तक केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड राज्य निर्माण के पक्ष में किसी भी तरह की कोई कार्यवाही तक प्रारंभ नहीं की। पत्र सौंपने वालों में भानु सहाय, रघुराज शर्मा, हमीदा अंजुम, वरुण अग्रवाल, गिरजा शंकर राय, उत्कर्ष साहू, गोलू ठाकुर, रसीद कुरैशी, प्रदीप नाथ झा, नरेश वर्मा, ब्रजेश राय, प्रेम सपेरे, विकास पुरी, अनिल कश्यप, राम गुप्ता सदर, अनुराग मिश्रा अन्नू, प्रभु दयाल कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। ये बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर अब हम लोग जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसद, विधायक, MLC, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, इन सबको एक पत्र सौंप रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि 30 नवंबर तक आप बुंदेली भावनाओं को कि बुंदेलखंड राज्य जल्दी बनवा दिया जाए, अखंड बुंदेलखंड राज्य जल्दी बनवा दिया जाए, इसके लिए आप पत्र लिखिए और यदि आप पत्र नहीं लिखते हैं तो आपका सड़कों पर विरोध किया जाएगा, आपकी गाड़ी के नीचे लेटने का कार्य किया जाएगा, आपको काले झंडे दिखाने का कार्य किया जाएगा। अब दो मुंह की राजनीति ये बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधि की अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, या तो बुंदेलखंड के संगे खड़े नजर आए या बुंदेलखंड का विरोध करते नजर आए। अब दो मुंह सांप की राजनीति नहीं करेंगे। बहुत हो गया, बहुत सह लिया, 3 साल का वादा किया गया था, आज 6 साल 5 माह आज की तारीख में पूरे हो गए, अभी तक केंद्र सरकार में बुंदेलखंड राज्य निर्माण के प्रति किसी भी तरह की कोई कार्रवाई तक प्रारंभ नहीं हुई है, जिसके तहत अब बुंदेलियों में आक्रोश पनपता जा रहा है और ये आक्रोश नवंबर के बाद अब आपको सड़कों पर इन जनप्रतिनिधियों का इसलिए विरोध करता नजर आएगा क्योंकि आप हमारा वोट लेके जीतते हो और आप चुनाव में खड़े होकर वादा करते हो कि अगर बुंदेलियों का पसीना बहाया जाएगा तो हम अपना खून बहाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप इस बुंदेलखंड के मुद्दे को बिसार देते हो। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, अब आपका विरोध होगा अगर आप पत्र नहीं लिखेंगे। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई बहुत पुरानी है, पिछले लोकसभा चुनाव में घोषणा की गई थी 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा, आज 6 साल 5 महीने पूरे हो गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं किया है बुंदेलखंड राज्य निर्माण के पक्ष में। तो अब आज से हम लोग एक नया कार्य का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जितने भी हमारे यहाँ के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, इनको आज हम पत्र सौंप रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि 30 नवंबर तक आप एक पत्र प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और अपने राजनीतिक दल के अध्यक्ष को दे दें, जिसमें ये उनसे आग्रह करें कि बुंदेलियों की भावना है कि अखंड बुंदेलखंड राज्य यथाशीघ्र बना दिया जाए और यदि आप 30 नवंबर तक पत्र नहीं लिखेंगे तो वादे होकर हमको आपका सड़क पर अब घेराव, आपका आपको काले झंडे दिखाना, आपकी गाड़ी के सामने लेटना, अब हम ये करना प्रारंभ कर देंगे। जब भी कोई चुनाव आता है और आप चुनाव जब लड़ने जाते हो तो बुंदेलखंडियों का अगर पसीना गिरता है तो आप खून बहाने की बात करते हो और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाता है आप इस मुद्दे को बिसार देते हो। अब दो मुहे सांप की राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। अब या तो बुंदेलखंड राज्य के साथ में खड़े नजर आओ या इसको विरोध करते नजर आओ। 30 तारीख तक का समय दिया जा रहा है सारे सांसदों को, सारे विधायकों को। आज सारी चिट्ठियां हम लोगों ने झांसी में, आज जो हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं अनुराग शर्मा जी,
उनके निवास पर जाकर उनको उनके यहाँ पत्र दिया और बाकी सबको हमने आज रजिस्ट्री कर दिए। 30 नवंबर आखिरी डेट है, 30 नवंबर के बाद आपका जो विरोध होगा उसका खामियाजा आप खुद भरोगे।